everyone, this is Bhavna Puri. So, दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th standard के important questions के बारे में. So, boards 2020 के लिए वो कौन से questions हैं जो आपको prepare करने चाहिए. मैंने यहाँ पर कुछ topic already mention कर दिए, तो इसी के बारे में मैं आपको detail में बता रही हूँ ताकि आप ये topics बहुत अच्छे से prepare कर ले और 90 plus score कर सके, right? चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चंस की मैं बात करी वो वन मार्क के हो सकते हैं. जो जनरली वन मार्क में पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स. जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल. यूनिसेक्सुअल में आप पपाया का एग्जाम्पल दे सकते हैं और बाइसेक्सुअल में चाइना रोज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है. पेप्सिन आप बताओगे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. पेप्सिन एसिडिक पीएच में काम करेगा और ट्रिप्सिन बेसिक पीएच में काम करेगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बेसिस पर, राइट. अब वे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये पूछ सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको बहुत ज्यादा अपर स्पेस के बारे में हम बात करें सब कुछ ब्लैक क्यों नजर आता है. आप बताओगे क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, है ना. या फिर आपसे पूछेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, या सनराइज और सनसेट 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद क्यों होता है. तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है. और भी क्वेश्चन आपसे वन मार्क में पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. वो क्या हो सकता है कि जैसे आप रेड लाइट देखते हो तो जनरली जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उसमें रेड का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताओगे उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दैट्स मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है. साथ साथ फंक्शंस पूछे जा सकते हैं आपसे हमारे आई के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जैसे कि रेटिना का क्या फंक्शन होगा, तो आप बताएंगे ये एक मिरर, ये एक स्क्रीन की तरह काम करेगा जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है. फिर आपसे आयरिस का या प्यूपिल का फंक्शन पूछा जा सकता है ना. तो आयरिस का क्या फंक्शन आप बताओगे, आप बताओगे वो कलर्ड रीजन होता है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा. फिर प्यूपिल का क्या फंक्शन होगा, उसका काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, हमारी आंखों में पड़ने वाली जो लाइट है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है. साथ साथ कॉर्निया के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करवाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या सब्सटेंसेस में डिफरेंस, ठीक है. बायो का मतलब और नॉन बायो, इनमें जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं आप ये बताएंगे. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन और डीकम्पोज बाय द माइक्रोब्स, ठीक है. आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो वेजिटेबल पील या फिर फ्रूट पील्स का. नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल आप प्लास्टिक या ग्लास ले सकते हैं जो कि इजीली डीकम्पोज नहीं हो सकते. देन अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ सकते हैं या किस तरीके से वो डिवाइड करेगा, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी डिवीजन किस तरीके से हो सकती है वो पूछ सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज अगर अमीबा का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताना पड़ेगा कि सूडोपोडिया होगा, वो फूड को एनगल्फ करेगा, फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होगा एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड, ठीक है. वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और किस किस तरीके से आप वाटर को स्टोर कर सकते हो, तो वाटर हार्वेस्टिंग में आप बताएंगे कि ये एक ऐसा सस्टेनेबल प्रोसेस है जिसमें हम ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है. इसमें आप रूफ टॉप या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता सकते हैं और इसकी जरूरत क्या है, आगे अगर कभी भी स्कार्सिटी यानी कि कमी होती है पानी की तो हम उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. देन सोलेनोइड क्या है और उसकी फंक्शंस अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि जब भी किसी कोई आयरन रॉड अगर आप लेते हो उसके ऊपर जो इंसुलेटेड कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, सोलेनोइड होगा. अब इससे पता है क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पूछेंगे कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है, तो आप बताएंगे दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. सोलेनोइड में वो कैसी होती है, पैरेलल होती है ना. फिर अगर आप रॉड के साथ इसको मतलब किसी भी आयरन वगैरह के साथ मेटल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्मेशन होती है, तो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या कई बार परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस भी पूछते हैं. टूथ डिके, नेक्स्ट क्वेश्चन टूथ डिके से आ सकता है, तो इसमें क्या होगा, ये पीएच से रिलेटेड है. नॉर्मली अगर हमारे माउथ की पीएच कम हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, तो एसिडिक हो जाएगा और हमारे जो टूथ है उसके जो हार्ड या जो आउटरमोस्ट लेयर है इनेमल से बनी हुई वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टूथ डिके, स्वीट टूथ भी कहा जाता है, ठीक है. तो हम बताएंगे कि जब भी हमारे माउथ में जो पीएच है 5.5 से बिलो यानी कि कम होने लग जाती है, यानी कि एसिडिक कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो स्पेसिफिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं. देन देखिए मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है ना. या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और एटॉमिक मास के ऊपर कौन सी थी, ऐसे भी पूछ सकते हैं वन मार्क में.
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जो एसिडिक और बेसिक डुअल दोनों ही नेचर को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, या दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल में आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन में मिलने वाली नंबर ऑफ स्पीशीज, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल जो स्पीशीज एक रीजन में मिलते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसको कैसे कंजर्व करेंगे, देखिए जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, ये सब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लिए गए स्टेप्स है ना। फॉसिल्स क्या होती है और किस तरीके से वो हमारे लिए जरूरी होते हैं, तो आप बताएंगे ये इंप्रेशंस होते हैं, ये इम्प्रिंट्स होते हैं, डेड और डिकिंग सब्सटेंसेस जो भी बच जाते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड और डिकिंग सब्सटेंसेस, उसको हम फॉसिल कहते हैं। और ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स उनका स्ट्रक्चर कैसा था और कितने समय पहले वो एग्जिस्ट किया करते थे। देन यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं यीस्ट के बारे में, यीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा वो डायग्राम बना के दिखाएं, तो आप बडिंग जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में बना के दिखाएंगे, ठीक है। देन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, आप अगर चाहें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर बता सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर बता सकते हैं, ठीक है, ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देन फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब है प्लांट, है ना, तो फाइटो हार्मोन्स में आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आपने साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो इसमें से जो क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछ रहे थे, सेल डिफरेंशिएशन कौन सा है हार्मोन जो करवाता है ना, राइपनिंग एजेंट किसे कहा जाता है, इथाइलिन को कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड करवाता है, तो ये चीजें आपको बताना जरूरी है, ठीक है। कई बार डिफाइन भी पूछ लेते हैं फाइटो हार्मोन्स की, तो प्लांट्स के अंदर मिलने वाले जो केमिकल्स है, जो हार्मोन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, राइट। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट के एक पार्ट को यूज करके बहुत मतलब लार्ज स्केल पे न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट के एक पार्ट को एक कल्चर में डाला जाता है जहां पर वो फर्दर डिफरेंशिएट करेगा, कैलस की फॉर्मेशन होगी और बहुत सारे न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फायदा ये है कि कम समय लगता है, दूसरा जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं हम उनको भी इजिली ग्रो करवा सकते हैं, है ना, अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, क्योंकि वो एक ही प्लांट से मिलकर बना हुआ है सारे के सारे नए प्लांट्स, तो वेरिएशन ही नहीं आएगी, राइट, तो वो उसकी डिसएडवांटेज हो गई। देन क्वेश्चन है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो जो विजन के डिफेक्ट्स हैं वो आपने पढ़े हैं कौन कौन से, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, है ना। अब आपसे पूछेंगे कॉज क्या है इसका, ये जो डिफेक्ट हुआ है विजन का, मायोपिया क्यों हुआ है, क्या कारण है, ठीक है। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कैसे करेक्ट करते हैं, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसमें कॉजेस भी याद करेंगे मायोपिया के, प्रेस बायोपिया और एक और डिजीज जो डिसऑर्डर मतलब जो डिविजन या एक तरीके से विजन का जो डिफेक्ट आपने पढ़ा है वो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, उसके कॉजेस, उसके करेक्शन मतलब कौन सा लेंस आप यूज करके उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। देन होता है मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इनके याद रखने होंगे। देन ट्रॉपिज्म क्या है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये सब क्या है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट और द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, तो इसमें आप ट्रॉपिज्म के टाइप्स याद रखेंगे, फोटोट्रॉपिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के डायरेक्शन, है ना, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, जियो मतलब अर्थ हो गया। देन न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है अच्छे तरीके से, साथ साथ साइनेप्स क्या होता है, तो आप बताएंगे द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। देन HNO3 का फंक्शन कई बार पूछ लेते हैं या फिर ये बोलते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय HNO3 को अगर हमने नहीं ऐड किया तो उससे क्या होगा, तो भैया फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, है ना। साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के साथ जो HNO3 है वो क्या कहते हैं, इजिली काम कर लेता है, रिएक्ट कर जाता है, बाकियों के साथ नहीं कर पाता, तो क्यों नहीं कर पाता, हम ये बताएंगे कि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती, H2O बन जाता है, क्यों, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो जो ऑक्सीजन देगा वो सीधा H2 के साथ जुड़ेगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन पेनक्रियास के डुअल फंक्शन पूछे जाते हैं,
मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं होगा कि पैनक्रियास के डुअल फंक्शंस बताइए, बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन और ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से एक्ट करेगा। तो आप पैनक्रियास बताएंगे, उसमें आपको ये बताना है कि वो हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ एंजाइम्स को भी, ठीक है। फिर पूछेंगे वो कौन से हॉर्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागन। और अगर एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो सारे एंजाइम्स थे ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन वो सब कहाँ से आए थे, पैनक्रियास से आए थे, राइट। देन जो चैप्टर नंबर आपका 13 है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल पूछ लेते हैं और उनकी वर्किंग भी पूछ सकते हैं। तो उनके प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं, जैसे कि जो जनरेटर है, अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, और इसके अंदर लेफ्ट हैंड रूल या जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल में आपको बताना होगा। कई बार स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन पूछ लेते हैं तो वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, कम्यूटेटर भी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। देन आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है भाई, आपको बताना है। आर्टरीज जनरली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज में आप इनकी वॉल्स के बारे में, वॉल्व्स VALVES, इन दोनों के बेसिस पर भी डिफरेंस बता सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिफरेंस आएगा, या फिर पूछेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। अगर 2 मार्क में आया तो उन दोनों में डिफरेंस आएगा। 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो आपको फ्लोएम की सारी एक्टिविटीज बतानी होगी कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सीड ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, ठीक है। और वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इन द प्रोसेस ऑफ जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन कब होती है, व्हेन डज मेंस्ट्रुएशन अकर। तो आप ये बताएंगे कि जब भी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती क्योंकि स्पर्म अवेलेबल नहीं था, तो क्या होगा, जो एग है वो डीजनरेट हो जाएगा और जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है विच इज एंडोमेट्रियम, वो भी धीरे धीरे जो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर थी वो क्या हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी। एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो ब्लड वेसल से बनी हुई थी, वो जो डेड एग है अलॉन्ग विद द ब्लड जो भी वजाइना के थ्रू निकलेगा बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा, उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, है ना, तो जो डेड एग है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है पूरा उसका डायग्राम बनाइए, अदरवाइज आपको ये बोलेंगे कि चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो भी आपको डायग्राम यहाँ पर दे रखा है इसमें से आपको बोला जाएगा कि वो पार्ट लेबल करें, है ना, कौन सा पार्ट, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर आपको ये बोला जाए तो आप बताएंगे कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। फिर पूछेंगे वो पार्ट बताइए जहां पर एग की फॉर्मेशन होती है, तो आप बताएंगे कि ओवरी में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बोलेंगे कि एंडोमेट्रियम लेयर को लेबल करें, या फिर इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, तो यूट्रस में होती है। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उसको लेबल भी करना होगा, है ना, डायग्राम में उसका नाम भी लिखना होगा। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कई बार सिंपल भी हो सकता है कि या तो 1-1 मार्क में पूछेंगे और क्या होते हैं, गैंग क्या होता है, है ना। तो आपको और डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए तो मर्करी का और क्या है, ठीक है, तो नहीं तो फिर एल्युमिनियम का और क्या है, तो आपको उनके नाम पता होना चाहिए। जो मर्करी का और है उसका नाम सिनाबार होता है, और एल्युमिनियम का जो और होता है उसका नाम बॉक्साइट होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मिडल में रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं मेटल है उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो 2 स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं इसमें, सल्फाइड के लिए बताइए और कार्बोनेट के लिए, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों को आपको डिटेल में बताना होगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में आने वाले जो हाई लेवल पर होते हैं ना, हाई रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिटेल में बताएंगे, CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जरूर याद कीजिए, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है उसको डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करेगा जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं किसी पीरियड में, है ना, या फिर आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से वेरी करेगा जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार मैं फिर भी समझा देती हूँ आपको। टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो कितने हैं, 7 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स है, दीज आर ग्रुप्स, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करती है लेकिन फिर डिक्रीज कर, देखो 1, 2, 3, 4 पहले इंक्रीज कर रही थी लेकिन बाद में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। लेकिन किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, वैलेंसी हमेशा सेम रहती है,
तो पीरियड्स में वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। दूसरी चीज एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो क्या होगा जो साइज था, क्योंकि सेंटर में क्या है प्रोटोन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी साइज उतना ही कम होता जाएगा। मतलब जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी पीरियड में तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते रहेंगे तो फिर जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैंने वैलेंसी आपको बता दी है, साइज बता दिया है, तो दोनों के केस में पीरियड में भी और ये कौन सा था ग्रुप में भी, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना मतलब क्या, प्रोटेक्ट करना ताकि हम जो उनसे गुड्स लेते हैं जो उनसे फायदे ले रहे हैं वो आगे भी ले सके, है ना। और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना मतलब मैंने बताया था ये पहले भी, कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं जूलॉजिकल पार्क में या बोटेनिकल गार्डन में जो भी बायोडायवर्सिटी होती है यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज किसी एक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। पूछेंगे क्यों कर रहे हैं प्रोटेक्ट, क्या जरूरत है भाई, अगर हमने बायोडायवर्सिटी को जो भी एनिमल्स है प्लांट्स है उनको सेव नहीं किया प्रोटेक्ट नहीं किया पूरा जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, है ना, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो फूड चेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन जो अगला क्वेश्चन है वो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये कई बार पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि जो ग्लूकोज है अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना, डैश यहाँ पर बॉक्स बना देंगे, तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो किस चीज में बदलेगा, आपको यहाँ पे बताना होगा पाइरूवेट में बदलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से बना दिया उन्होंने, लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे अगर फर्दर ब्रेक डाउन होगा पाइरूवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप बताएंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इन चीजों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोजन क्या है, किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जाएगा, तो आप बताएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन उसका एक एग्जांपल है, और जो धीरे धीरे किसी मेटल को ईटन अप कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एसिड या जो भी केमिकल्स हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, इसको कैसे पेंट करके या फिर ग्रीस वगैरह अप्लाई करके या जिंक की एक कोटिंग लगा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं गैल्वनाइजेशन, ये सब चीजें करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अगर मैं 1 और 2 चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, वन चैप्टर के मैसेज के अलावा अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो वो ये पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, या फिर जितनी भी इक्वेशन है उनको बैलेंस करने के लिए या केमिकल रिएक्शन आ सकता है। तो जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एग शेल है ना लाइम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवा दे तो क्या होगा, या कौन सी गैस रिलीज होती है कितने अमाउंट में जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम करवाते हैं, ठीक है, या CuSO4 का कलर क्या होगा आप ब्लू कलर बताएंगे उसमें, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस अगर चैप्टर नंबर 2 के बारे में एसिड और बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है वो काफी मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कॉपर वगैरह की वेसल्स में हम कर्ड वगैरह को ब्रास या कॉपर के वेसल्स में दही को नहीं रखते एसिड को नहीं रखते तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या ड्राई लिटमस पेपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा या उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो आपको पता है फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। देन सोलर कुकर का डायग्राम आ जाता है, किस तरीके का लेंस या मिरर उसमें यूज हो रहा है ये पूछा जाता है, किस तरीके का पेपर यूज हो रहा है, या फिर पूछेंगे ब्लैक पेपर ही क्यों यूज हो रहा है, वो सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो गुड एब्जॉर्बर होता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, आपको इसमें राइट एंड रूल के बारे में भी बताना है, और ये बताना है कि जब भी एक सर्किट में आपने करंट इंड्यूस करवाया है तो एज अ रिजल्ट द करंट विल बी इंड्यूस्ड इनटू द अनदर जो भी वहां पर कॉइल है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जिस वजह से जो करंट था वो इंड्यूस हो गया। देन डीएनए कॉपिंग क्या है और क्यों जरूरी है, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में अगर पास ऑन करवाना है तो फिर उसके लिए डीएनए कॉपिंग की जरूरत होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। देन डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, लाइव वायर अर्थ वायर न्यूट्रल वायर इन सब के कलर और फंक्शंस पता होना चाहिए, और जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट, ठीक है 220। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं 12 और 13 चैप्टर से कि जो हैवी अप्लायंसेज है उसके लिए कितना करंट होना चाहिए, तो आप 15 एम्पीयर बताएंगे, जो छोटे मोटे अप्लायंसेज होते हैं उसके लिए कितना 5 एम्पीयर, है ना।
कई बार पूछ रहे थे कि बल्ब के अंदर हम कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो आप टंगस्टन बताएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। होमोलोगस और एनालोगस जो ऑर्गन्स है उसमें क्या डिफरेंस है? देन होमोलोगस ऑर्गन्स आप बताएंगे कि सेम स्ट्रक्चर एंड ऑरिजन होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप फोर लिम्स ऑफ मैन या ह्यूमन उसको किसके साथ, बैट के साथ या फिर किसी चीता वगैरह के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एनालॉगस में क्या होगा भैया? स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कौन सा इसका एग्जांपल हो सकता है? इसमें आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स बता सकते हैं। भाई बर्ड्स के पंख वो भी उड़ने में यूज किए जाते हैं और जो बटरफ्लाई उसके भी विंग्स को यूज किया जाता है उड़ने में, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो एनालॉगस के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर इसी में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्टोपस की आइस को, प्लेनेरिया की आइस को या ह्यूमन की आइस को हम सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या? तो नहीं डाल सकते, वो इसलिए क्योंकि उनका फंक्शन तो सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो जब स्ट्रक्चर और ओरिजिन ही अलग है तो साफ पता चल रहा है कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे ही नहीं। तो जब उनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं थे तो उसका मतलब है वो सेम कैटेगरी में नहीं आ सकते, राइट। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मैंने डार्विन थ्योरी लिखा हुआ है, इसके सेलेंट फीचर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो डार्विन ने ये बताया था कि किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। सब मैक्सिमली अगर रिप्रोड्यूस भी करेंगे तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन का जो साइज है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा उस पॉपुलेशन में फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मेटिंग के लिए। एज अ रिजल्ट कॉम्पिटिशन में कुछ ना कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरेंगे और जो पॉपुलेशन का साइज है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और उन्होंने दिया था किसको? नेचुरल सेलेक्शन। नेचर हमेशा किसको सेलेक्ट करेगा? जो रिप्रोडक्टिवली फिट या फिर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस किस चीज के लिए? 10th स्टैंडर्ड की साइंस के लिए। इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। मैंने इसीलिए सभी के आंसर साथ साथ में बताए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली 1 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको डीप नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, तभी आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगा तो वो भी आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।